बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राज़ील के विजिट वीजे से लेकर वर्क वीजे तक मुकम्मल मालूमात आपको दूंगा इस वीडियो में। तो पहले आपने क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीज़ें आपने अपनी पूरी करनी। सबसे पहले आपने ये विजिट वीजा कैसे लेना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपने वर्क परमिट कैसे हासिल करना है। तो ब्राज़ील के वीजे के लिए आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे पहले जो ब्राज़ील की एम्बेसी है वो इस तरह लगा लेंगे जिस तरह दुबई वीजा दे देता है ना, बिल्कुल इसी तरह ब्राज़ील भी वीजा दे देता है। तो जो ब्राज़ील की जो करेंसी है वो ब्राज़ीली रियल है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 31 या 32 रुपए के बराबर है। तो करेंसी तो अच्छी है, लेकिन वहाँ पे सैलरी जो है ना वो तकरीबन आप पर डे में तकरीबन 200-300 रियल कमा सकते हो। जो 200-300 रियल है वो 6-7 हज़ार रुपये पाकिस्तानी बन जाता है एक दिन का। वीजे की जो फीस है वो आपको एम्बेसी में देना पड़ेगी। जो एम्बेसी की फीस है वो तकरीबन आपकी हो 70 से 80 US डॉलर है। 10 हज़ार रुपये में आप खुद ब्राज़ील का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं नो मैं आपको वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद जिसके पास कोई स्किल है या नॉन स्किल है ब्राज़ील में, इसके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। यानी कि आप अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आपको कोई काम वगैरह आता है तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता तो ब्राज़ील में ऐसी चीजें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आप किसी भी शोबे में आपको काम मिल सकता है। वहाँ पे ज्यादातर ग्रोसरी स्टोर में आपको जॉब मिल जाती है। और भी और एक और बात है ब्राज़ील की, वो सबसे ज्यादा वहाँ पे जो जहाँ के लोगों के बिजनेस है ना वो लोग एशियन है। वो ज्यादातर पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेश यहाँ के लोग हैं जिनके वहाँ पे ब्राज़ील में अपने ही बिजनेस है। तो आपको वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगी। तो जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन आपको वहाँ पे जॉब की बात करें तो जॉब में आपको सैलरी थोड़ी कम मिलेगी ब्राज़ील में। अगर वहाँ पे आप छोटा सा अपना काम कर लें, यानी कि किसी से शर्टें वगैरह लेके सेल कर दी या पानी की बोतलें सेल कर दी, किसी भी चीज़ का लगा लें या ग्लासेस वहाँ पे लेके बीच पर सेल कर दिए, उसमें ज्यादा पैसे बच जाते हैं जॉब की निस्बत। जॉब में आप कमाएंगे 50-70 हज़ार के अराउंड पाकिस्तानी। अगर आप यही कोई अपना बिजनेस करें तो आप वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपए इजीली कमा सकते हैं ब्राज़ील में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ कि आपने वर्जन वीजा कैसे लेना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आप देख भी रहे होंगे। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वहाँ पे आपने सबसे पहला जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको उधर से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट है, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर है, उसके बाद बैंक अकाउंट है। ब्राज़ील बैंक अकाउंट को रिक्वायर करता है, आपको ये लाजमी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, एक ये चीज़ है। उसके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है, पोलियो कार्ड है। ये चीज़ें आपको वहाँ पे ऑफिशियल भी कर देंगे। अगर आप वहाँ से नहीं करवाना चाहते, वहाँ की तकरीबन $42 फीस है। अगर आप उनसे सिर्फ अपना हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि अपनी इंश्योरेंस करवाएं उनके जरिए, तो वो $42 आपसे तकरीबन आपकी वही फीस लेंगे। तो अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था, CV, कवर लेटर, इंश्योरेंस वगैरह हम खुद करते हैं। तो जो भाई करवाना चाहता है, हम इंटरनेशनल लेवल पर जिस कंट्री के हिसाब से, अगर आप ब्राज़ील में वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो CV में हर वीडियो में यही बताता हूँ कि अपनी कंट्री के हिसाब से बनवाया करें। जैसे कोई भाई कनाडा में जॉब करने जा रहा है तो उसके पास CV ऑस्ट्रेलिया की या पाकिस्तान की, वो वहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि आपको CV इंटरनेशनल लेवल पर चाहिए। तो इंशाल्लाह हम ये काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल CV बनाते हैं। उसके बाद ये चीज़ें आपने कवर लेटर अपने बनवा के इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में आपने वहाँ पर जाके वीज़ा फीस के साथ अपनी फाइल सबमिट कर देनी है। उसके बाद ये एक बात और मैं ऐड करता चलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्राज़ील एक डेंजरस कंट्री है। बिल्कुल डेंजरस कंट्री है, लेकिन आप ये देख लें, आप गूगल पे सर्च कर लें द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको 10 या 9वें नंबर पर पाकिस्तान मिलेगा। उसके बाद तुर्की आ जाता है 11-12 नंबर पर, अजरबैजान जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री पहले आती है, बाद में ब्राज़ील आता है डेंजरस कंट्री में, यानी कि 48 या 50वें नंबर पर है। इससे आप हिसाब लगा ब्राज़ील कितना डेंजरस है। मेरी नज़रों में ब्राज़ील कोई डेंजरस कंट्री नहीं है। ये आपने डॉक्यूमेंट्स ले ब्राज़ील की एम्बेसी में सबमिट कर देने, तो आई होप कि आपको 100% वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपने फाइल हमारे मुताबिक या उनकी रिक्वायर्ड के मुताबिक बनाई हुई तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा मिलने के बाद इनकी जो फ्लाइट का रूट है वो तकरीबन कराची से ये जाती है। तो ये कराची से हर माह में अपनी वेबसाइट पर भी अपडेट देते हैं कि कौन से शहर से हमारी फ्लाइट जाती है। तो ये कराची से ब्राज़ील डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। इसकी जो फ्लाइट की फीस है वो तकरीबन 1,50,000 के अराउंड है। तो ये मुझे कंफर्म नहीं पता कि ये PI का जहाज़ है या किसका है। तो ये मेरे अंदाजे में ब्राज़ील की ऑफिशियल अपनी होगी ये एयरलाइन, तो उसके थ्रू ये कराची से ब्राज़ील आपको ले जाएगी। उधर जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ लेनी है। उसके बाद अगर आपको वहाँ का वर्क वीज़ा यानी कि कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर या किसी के पास आप काम करने लग जाते हैं, या पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा, जिसके पास भी आप काम करते हैं, आपको वही बंदा सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पे रेडी कर देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी है, वो उसको ज़्यादा नॉलेज होगा मुझसे भी ज़्यादा। तो वो आपको वहाँ पे इजीली आपको वो कर देगा, वर्क परमिट ले देगा। तो आपको कोई इन आउट नहीं होना पड़ेगा आपकी कंट्री से, आपको वहाँ पे ही रहना पड़ेगा ब्राज़ील में। तो एक होता है ना कि आपको वर्क वीज़ा मिल जाए तो आपको इन आउट होना पड़ेगा, लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के आपको विजिट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे ही रहेंगे, यानी कि आपको वहाँ पे विजिट वीज़े में वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
एक ये सूरत हाल है। उसके बाद अगर आप अपनी होम कंट्री यानी कि पाकिस्तान से डायरेक्ट वर्क वीजा लेना चाहते हैं वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्राज़ील बहुत ही कम वीज़े लॉन्च करता है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद मुख्तारी है, यानी कि वहाँ के लोगों के पास इतनी जॉब्स नहीं है, इस वजह से वो बाहर से वर्कर नहीं मंगाते। तो आप वहाँ जाकर ही जॉब लेनी पड़ेगी। बहुत सारे एजेंट भाई हैं ब्राज़ील के, अच्छे वाले पैसे ले लेते हैं एजेंट, तो उनसे बचिएगा। मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको, 10-10, 12-12 लाख रुपया ले लेते हैं। हाँ, ये साउथ अमेरिकन एक कंट्री है ब्राज़ील, तो ये इसका ये तकरीबन ये मैक्सिको चिली के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद यूएसए है। तो वहाँ से लोग दो नंबर तरीके से इलीगल जो है अमेरिका में भी दाखिल होते हैं, तो उन चीज़ों से ग्रेस करिएगा। अगर आपके पास ब्राज़ील का वीज़ा वर्क वीज़ा ही आ जाता है तो उस पर बहुत सारी कंट्री बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो अगर वहाँ पे आप जाकर विजिट वीज़े पर अगर जॉब नहीं मिलती तो वहाँ पे आप साल में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वो आपने ऐसे करना है कि आप उधर ये बताएंगे कि मुझे जी सिक्योरिटी थ्रेट है या किसी किस्म की थ्रेट लगा लें, आप बोल दें कि मेरी जान को खतरा है जी, मैं अपनी कंट्री में वापस नहीं जाना चाहता, तो वो आपको ईजिली वहाँ पर सालम मिल जाएगा। उस सालम पर भी आप मैक्सिको जा सकते हैं और कंट्री में भी बिल्कुल फ्री जा सकते हैं सालम पर। और सालम पर अगर आप 5 साल गुजार लेते हैं तो आप वहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो नेशनलिटी भी इस तरीके में आपको ब्राज़ील की मिलेगी। तो अगर जिस भाई को इन्फॉर्मेशन समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकता है। तो मजीद इन्फॉर्मेशन वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जॉब्स इन्फॉर्मेशन वीडियो अब तक पहुंच रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।